हेलो गाइस, इस वीडियो में हम UP SSC पैट के लिए करंट अफेयर स्टैटिक जीके देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, काम की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, देश का पहला और एकमात्र राज्य जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। आंसर हो जाएगा केफोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांस हैं, केफोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल व दोपहिया वाहनों की चोरी जैसे अपराधों को रोकने के लिए EFIR प्रणाली लॉन्च की है, तो ये किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा गुजरात ने। नेक्स्ट है, किस सुपर स्टार को UAE द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो ये सुपर स्टार है, इनका नाम है कमल हासन। इनको क्या दिया गया है? UAE द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड वीजा अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए 3 में से 2 को लॉन्च कर दिया है? आंसर हो जाएगा चीन ने। आपको पता है इसका नाम पूछा जा सकता है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा इसने वेटियन नाम के एक अनक्रूड क्राफ्ट को लॉन्च किया था, चीन के उष्णकटिबंधीय द्वीप हैनान पर वेनचांग लॉन्ग सेंटर से। ठीक है, तो इसने 3 लॉन्च करने थे, 2 को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो कितने मीटर का थ्रो किया था इन्होंने? 83.13 मीटर का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर BBNL का किसके साथ विलय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? यानी कि BBNL का विलय कर दिया गया है BSNL के साथ। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को विस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इसे विस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? एसोसिएट सदस्य का दर्जा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खेलों से संबंधित। 3 देश हैं इसमें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है आइवरी कोस्ट। तो इसे आप किसे कैसे याद कर सकते हैं? उका से याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर काऊ से याद कर सकते हैं, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप काऊ से याद कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि कंबोडिया, आइवरी कोस्ट और उज्बेकिस्तान को दिया गया है। ICC देशों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ICC में 108 हो गई है इनकी, इन तीनों को, ठीक है, मिला करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फिल्म के निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च पुरस्कार JC Daniel अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मलयालम फिल्म निर्माता है KP कुमारन को, इनको क्या है? JC Daniel अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कितनी फिल्मों का नामांकन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर हो जाएगा 305 फिल्मों को। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन की कंपनी होती है। नेक्स्ट है, UN की रिपोर्ट के अनुसार TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होगी? आंसर होनी चाहिए 2.1 बच्चे पर महिला, यानी कि एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देनी चाहिए, उसी को इतनी होनी चाहिए। 2.1 का मतलब हो गया लगभग, यानी कि औसत निकालते हैं हम। नेक्स्ट हो गया, हिंदू मैरिज कानून भारत में कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1955 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? जारा रदरफोर्ड बन गई है। इन्होंने 52,000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी, 31 कंट्री से गुजरी थी और 5 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरी थी। ये बेल्जियम की है और आयु इनकी 19 वर्ष है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो
2048 में भारत की जनसंख्या 1.60 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है टैगो ज्वालामुखी फटने के कारण, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, इसके कारण किस देश में 90 दिन का आपातकाल घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, पेरू में, ये दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है, देश है, इसमें क्या है, आपातकाल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका नाम तुर्की हो गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा उर्दू और हिंदी, दो भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है माघ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में माघ मेला आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी विटामिन बसा में घुलनशील होती है? आंसर हो जाएगा ए डी ई के बसा में घुलनशील होती है, और जल में घुलनशील कौन सी होती है? जल में होती है बी और सी, जो बच गई इसके बीच में। ठीक है, बी बच गई और यहाँ पर सी बच गई ए और डी के बीच में, तो ये जल में घुलनशील होती है और ये ए डी ई के बसा में घुलनशील होती है। ठीक है, देखो जल को क्या कहते हैं, वाटर, वाटर मतलब बी, ऐसे वाटर से बी, बी सी ये हो गई और ए डी ई के चार ये हो गई। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल मतलब वाटर, वाटर मतलब बी। ठीक है, प्रोनाउंस वी से हो रहा है ना, तो बी लगा लो आप, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा भारतीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? थीम काफी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव असेसिबल, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव असेसिबल है। ठीक है, 24th ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट और 24th है अभी यहाँ पर सुशील चंद्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संचित निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखो संचित निधि भारतीय संविधान के 266 में है और आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के 267 में है, यानी कि पहले संचित निधि आएगी। आकस्मिक निधि से ही पता चल रहा है कि जो आकस्मिकता के लिए उसकी स्थापना की जाती है कि कभी संसद सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के अधीन होती है, वो राष्ट्रपति मंजूरी देता है, फिर वहां से सरकार कार्य करती है। ये हो गई 266। नेक्स्ट है कैरी ट्रेड क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्जा लेकर व्यापार करना को कैरी ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? HPCL, तो पी से मतलब पुष्प कुमार जोशी बने हैं। HPCL के नए अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी, ये एक महारत्न कंपनी है HPCL और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चीरू नौसैनिक अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? देखो चीरू है ये और किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो देखो यहाँ पर सी से चाइना, आई से ईरान और आर से रशिया, यानी कि रशिया, चाइना और ईरान, इसमें इंडिया मत लगा लेना आई से, इसीलिए मैं यहाँ ट्रिक से बता रही हूँ, सी से हो गया चाइना, आई से हो गया ईरान और आर से हो गया रशिया, तो इन तीनों देशों के बीच में आयोजित किया गया है चीरू नौसैनिक अभ्यास, इसी से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, चाइना, ईरान और रशिया। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिवांगी सिंह बनी है भारत की पहली महिला राफेल पायलट। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TS2 टाइगर रिजर्व का दर्जा देने वाला दर्जा दिया गया है या कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है और इसे TS2 का दर्जा दिया गया है 2021 का, कहाँ स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, TS2 टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम कहाँ पर है? इरोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं दुनिया की तीन सबसे बड़ी कंपनी जो माइनिंग के लिए जानी जाती है, ग्लेनकोर है, BHP है और रियो टिंटो है। ग्लेनकोर स्पीटरलैंड, BHP, रियो टिंटो, रियो टिंटो ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि ये संबंधित रही थी, इस वजह से ये चर्चा में रही थी करंट अफेयर में, इसीलिए आपको पढ़ लेनी चाहिए माइनिंग के लिए कौन सी जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आर्थिक सलाहकार हैं, तो आर्थिक तो वही होगा जो आनंद में रहेगा, यानी कि अनंत। ठीक है, जो अनंत रहेगा, आर्थिक तो अनंत रहेगा क्योंकि हम जियेंगे तब तक हमारे पास अर्थ रहेगा, तो इसीलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे वी अनंत नागेश्वर। और वहीं पर कृष्णमूर्ति कहाँ बने हैं? ये IMF में बने हैं, भारत के डायरेक्टर जनरल। ठीक है,
तो ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चार पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में खोला गया है। ठीक है, तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने यहाँ 13 नए जिले बनाए हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर 13 नए जिले बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 26 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ पर 13 जिले थे, अब 13 और बन गए हैं तो 26 जिले हो गए हैं। वहीं पर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 23 जिले ऑलरेडी थे, अब वहाँ पर 7 जिले और बन गए हैं तो 30 जिले हो गए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखें, 13 जिले आंध्र प्रदेश में बनाए हैं, 7 जिले पश्चिम बंगाल में बनाए हैं, टोटल यहाँ पर 26 जिले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में और वहीं पर पश्चिम बंगाल में 30 जिले हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील अजमेर में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में और वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है द हेग में, यानी कि नीदरलैंड में। ओके, तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा UNEP, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना कब हुई थी UNEP की? 1972 में हुई थी। और मुद्रा क्या है? यानी कि केन्या में स्थित है, तो केन्या की मुद्रा क्या है? सिलिंग हो जाएगी। ठीक है, और केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी, मुद्रा सिलिंग हो जाएगी। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, आंसर हो जाएगा लंदन UK में। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC की स्थापना कब हुई थी? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी। OPEC देशों की स्थापना 1960 में, यहाँ जीरो आ रहा है ना, तो पीछे जीरो लगा दो, 1900 तो हो गई और 60 है। ठीक है, या पी को उल्टा कर दो, पी को उल्टा कर देंगे तो 6 हो जाएगा और जीरो को लिख देंगे तो 1960 हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है OPEC का? OPEC का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, राजधानी हो जाएगी इसकी वियना, यानी कि वियना इसकी राजधानी हो जाएगी और ऑस्ट्रिया देश है और इसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है जबकि ये यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। ओके, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी? सोम हो जाएगी। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा, वही पेरू है जिसमें वो आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी, इसकी मुद्रा हो जाएगी सोल। इजराइल की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा यरूशलम, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यू शेकल हो जाएगी। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाद, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी सऊदी रियाल। नेक्स्ट है, आइसलैंड की मुद्रा क्या है? आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना और इसकी राजधानी रेक्जाविक, मुद्रा हो जाएगी क्रोना आइसलैंड की और राजधानी हो जाएगी रेक्जाविक। ओके, फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका से के संविधान में भारत ने क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है? पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक समीक्षा ली है, उपराष्ट्रपति की अवधारणा लिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि चारों लिए हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से कानून के समक्ष समानता ली है, सीएजी का कार्यालय लिया है, कानून का नियम लिया है, एकल नागरिकता ली है, सरकार का संसदीय स्वरूप लिया है, प्रस्तावना की भाषा नहीं ली है। तो इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। कानून के समक्ष समानता, सीएजी का कार्यालय, कानून का नियम, एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है। आंसर हो जाएगा 5(2) में, यानी कि भाग 5(2) में संसद के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 79-122 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ 7 नए जिले बनाए हैं। अभी मैंने बताया था पश्चिम बंगाल ने बनाए हैं, राजधानी कोलकाता, राज्यपाल जगदीप धनखड़ तो अब नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो अब ये राष्ट्रपति नहीं, वहाँ के राज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों से, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम। कुल जिले 30 हो गए हैं, विधानसभा 294 है सीटें और राज्यसभा में 16 है, लोकसभा में 42 है, यानी कि 294, 16 और 42। भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास विनबैक्स हुआ है, अभी ये शुरू हुआ है 2022 में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और किस देश के बीच में ये शुरू हुआ है, आंसर हो जाएगा वियतनाम के बीच में। ओके, भारत और वियतनाम, देखो विनबैक्स से पता चल रहा है वियतनाम और इंडिया, इसीलिए इन दो अक्षरों से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी, मुद्रा डोंग हो जाएगी, प्रधानमंत्री हो जाएंगे फाम मिन चिन। स्थापना 2 सितंबर 1945 को हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है, तो चाबहार दिवस सम्मेलन मुंबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल मैप ने इस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है, तो भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की गई है, आपको पता है बेंगलुरु में ये शुरू की गई है। हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सीट्स पर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा बैठकें हुई है, आंसर हो जाएगा केरल, केरल में सबसे ज्यादा विधानसभा बैठकें हुई है। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 571, यहाँ पर आप देख सकते हैं 571 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है, आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूएनजीए ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट है, यूएनओ ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है, तो एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। ठीक है, सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो मिंजर मेला है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, मिंजर में से माचल, ठीक है, यानी कि हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला आयोजित किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने जीता है, आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं, यानी कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही ये जीता है। ठीक है, 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, अभी यूपी टेट आने वाला है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखें और आपका यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।